गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, केमिस्ट्री सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपने ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। इससे पहले पीरियडिक टेबल की और केमिकल बॉन्डिंग की कंप्लीट हो चुकी है, क्यों सर? और हाइड्रोजनस कंपाउंड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। बिल्कुल सर, श्री गणेश की बिल्कुल। बी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट के लिए तो आपको ध्यान रखना ही है, ये चीज तो आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। बाकी बात सर करते हैं, बताएं सर आगे। The members of BN N plus 6, आपको पता है जो आपके बोरेन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो निडोबोरेन और एक आर्केनोबोरेन। जो आर्केनोबोरेन होता है उसका फॉर्मूला होता है BnHn+6। इसकी स्ट्रक्चर एक स्पाइडर वेब की तरह होती है, जैसे कि एक मकड़ी का जाल हो गई। और दूसरा ये अपना निडोबोरेन हो गया BnHn+4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अपना एक पक्षी का घोंसला जैसे होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये अपने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन बिल्कुल सर, इसलिए स्टेबल। हाँ, वो स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, यही बोल रहे हैं। ये अपना आंसर सही हो गया, बिल्कुल सर, करेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। आगे देखें तो डायबोरेन इज कलर्ड, तो डायबोरेन एक कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास जो पैकिंग आ चुकी होती है एक तो डायबोरेन के अंदर, और दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास होता भी नहीं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपना। और स्टेबल होता है, अपने को पता है BH3 स्टेबल नहीं होने की वजह से तो डायबोरेन की ओर जाके उसको स्टेबिलिटी देता है। डायबोरेन में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं। हाँ, B2 बोरॉन फैमिली में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं B2H6 से पूछे गए हैं। बिल्कुल, इसमें अलग अलग रेशियो से, जैसे अब NH3 इसके साथ एक्सेस में आ जाता है तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बना देता है, और अगर दो मॉलिक्यूल NH3 के लेकर चलते हैं तो ये अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, इसका प्रिपरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन देखे सर, डायबोरेन है। देखो डायबोरेन की ऑक्सीजन के साथ है, ये बता रहा है एंडोथर्मिक, जब भी देखा जाए तो यहाँ कंबसन होगा, कंबसन हमेशा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर डायबोरेन की बात करें यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह करता है? हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन का अपन कंबशन कराते हैं तो क्या मिलता है अपने को? अपने को एनर्जी मिलती है खूब सारी, वैसे ही इसके भी अपन रिएक्शन करेंगे हीट मिलेगी अपने को काफी सारी, और काफी हीट यहाँ से रिलीज होती है सर, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसका यूज एज ए ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल काम में फ्यूल किया जाता है। तो अपना ये भी रॉन्ग हो गया, तो अपना फर्स्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सर, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सर, ए गैस अदर देन HCl इज ऑब्टेनिंग, ए गैस जो HCl के अतिरिक्त प्राप्त होती है, वही बात आ गई सर, ये डायबोरेन बनाने की है दोनों की दोनों रिएक्शन। अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपना डायबोरेन बनता है, B2H6 साथ में वो HCl निकलता है, लेकिन अपने को तो इसके अलावा कौन सी गैस, तो ये भी एक गैसेस कंपाउंड ही होता है और ये थोड़ा पॉइजनस टाइप का होता है। दूसरी चीज सर, इसमें अपन BF3 यहाँ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि BF3 में बैकबॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, H2 इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, और अगर BBr3 और Bi3 भी जनरली यहाँ यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ से HCl है और HI बनेंगे जो डीकम्पोज होकर के वापस से रिएक्शन को बैकवर्ड, HBr बिल्कुल। और यहाँ पे देखा जाए तो सबको बताया लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड है और साथ में B2H6 बन जाएगा, तो अपने को यही पूछा है सर HCl के अतिरिक्त कौन सा गैसेस बना रहे, तो वो दोनों में आपके बहुत आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। बिल्कुल सर, एमोर्फस बोरोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरेक्स बाय फॉलोइंग स्टेप, निम्न द्वारा बोरेक्स से एक्रिस्टलीय बोरोन का निष्कर्षण किया जाता है। यहां इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक्रिस्टलीय बोरोन है, बाकी बात सर बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे अपने को बोरेक्स दिया गया है, बोरेक्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं। बोरोन के अंदर 4 बोरोन होते हैं जिसमें 2 तो सर sp2 में होते हैं और 2 बोरोन sp3 में होते हैं, मतलब इसमें टर्मिनल वाले जो बोरोन अपन साइकिल बनाने की कोशिश करें तो वो अपने दिखाई देते हैं प्लेनर, और जो सेंटर में जो होते हैं वो अपने sp3 टेट्राहेड्रल शेप में आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा है, इसका मतलब अपने को यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए, क्योंकि इसका यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट किया जाता है, क्योंकि इसके जल के प्रतिबंधता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण अत्यधिक होती है। बिल्कुल सर, और जब इसको हीट देंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा, इसको बोरिक एनहाइड्राइड इसलिए बोलते हैं अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो वास्तव में बोरिक एसिड ये बनाता है। फिर यहाँ पे भी अब इसका रिडक्शन करवा रहा है बोरोन बनाने के लिए, तो यहाँ पे सर रिडक्शन या तो अपने एल्यूमिनियम के साथ भी करवा सकते हैं और मैग्नीशियम के साथ भी, तो अगर एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो वही बोरोन बनना है और Al2O3 बनेगा, और यहाँ पे बनाएंगे तो बोरोन और MgO बनेगा। तो
एल्यूमिनियम की जो सर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी काफी ज्यादा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस थ्री में है बिल्कुल सर, तो स्मॉल साइज है और चार्ज भी ज्यादा है, इस वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो ये हाईली स्टेबल है, तो ये जल्दी से ऑक्सीजन को अपनी ओर है अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे में ये क्रिस्टलाइन बोरॉन यहाँ पे बनने वाले, यहाँ डिफरेंस ये आ गया कि अगर एल्यूमिनियम अपन लेंगे तो कौन बनेगा क्रिस्टलाइन बोरॉन बनेगा, और अगर अपन मैग्नीशियम लेंगे तो एमोर्फस बन जाएगा, एमोर्फस बन जाएगा, तो अपना इसमें आंसर ये आएगा, अपना किसको क्या पूछा गया है क्रिस्टलाइन बोरॉन पूछा गया है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा H2SO4 और बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे क्रिस्टलाइन पूछता तो अपना आंसर फर्स्ट होगा बिल्कुल सर, ये ध्यान रखना बेटा आपको, सर ने बताया आपको एल्यूमिनियम जब भी आएगा तो क्या करना है अपने को क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाना है, और जब भी Mg आएगा तो अपने को एक्रिस्टलाइन बोरॉन बनाना है बिल्कुल सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, एल्यूमिनियम डिसॉल्विंग माल्ट NaOH विद द फॉर्मेशन ऑफ, गलित NaOH में एल्यूमिनियम को घोलने पर विलयन बनता है, बताएं सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये जो चीज है ना सर, इस पे ज्यादा ध्यान देना है बिल्कुल सर, अगर यही चीज अपने को एक्वस के साथ मिलती तो सबको पता है कि सोडियम मेटाइल और अपन जनरली क्या करते हैं इसको देख के अपन ये आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन जब भी मोल्टन में आएगा ना तो एल्यूमिनेट भी बनाएगा और मेटा एल्यूमिनेट भी बनाएगा, दोनों बनते हैं बिल्कुल सर, तो अपना आंसर जाएगा फोर्स। नेक्स्ट सर, ध्यान रखना बेटा ये मोल्ट के लिए बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा अपने पास दोनों ऑप्शन में आएंगे, और अकेला किससे बात करें सर, एक्वस से बात करें तो मेटा एल्यूमिनेट बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्ट लेविस एसिड ऑर्डर द बोरॉन हैलाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखें इसके लिए बिल्कुल सर, बॉन्ड एंगल पूछता है, डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है इनके बारे में, और ये लेविस एसिडिक नेचर, तीनों ही नेचरों के बारे में बात कर लेता है, तीनों नेचर बता देते हैं सर, बताएं सर बिल्कुल सर, ये तो ध्यान रखना ही रखना है अपने को, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, बताएं सर बिल्कुल सर। इसमें देखो आप, आपको जहां पर भी BH3 मिल जाए तो समझ लो वहां बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्टेट कंप्लीट है, साइड एटम का ऑक्टेट है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बैक बॉन्डिंग बनेगी तो बैक बॉन्डिंग का आपने को पता है, बैक बॉन्डिंग हमेशा साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली होती है बिल्कुल सर, तो अपन बात करें सर बोरॉन, बोरॉन का वेकेंट 2p इन्वॉल्व होता है, ये 2p वेकेंट है, अब हेलोजन आएगा तो फ्लोरीन का फील्ड 2p आ जाएगा, 2p आ जाएगा, अगर ये चीज क्लोरीन की लेंगे तो 3p आएगा, तो थोड़ा लार्ज साइज का होगा, अगर ये ब्रोमीन की बात करें तो और लार्ज होगा 4p आ जाएगा, और आयोडीन में अपना 5p आने से बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब कहने का मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी ओवरलैपिंग, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सेम है तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, यहाँ पर इफेक्टिव कम होगी, और आते आते यहाँ पर तो ये मान दी कि बैक बॉन्डिंग नेक के बराबर हो गया बिल्कुल सर, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग तीन ही एक्सेप्टेबल है, कौन सी पीपाई बिल्कुल सर, 2p पाई फिर 2p पाई 3p पाई फिर बोल देते हैं 2p पाई 3p पाई 3p पाई जी सर, ये साथ में स्ट्रेंथ भी होगी इनकी स्टेबिलिटी की बिल्कुल। अब यहाँ पे अपन देखें तो अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव हो रही है तो इसका तो जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो फिल्ड हो चुका है, यहाँ पे पार्शियली फिल हुआ है, यहाँ पे वैकेंट ही पड़ा है, इसका मतलब लेविस एसिड की स्ट्रेंथ के लिए तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ताकि लोन पेयर ले सके, तो बैक बॉन्डिंग और लेविस बेसिक एसिड की स्ट्रेंथ ये इनवर्सली चलेंगी सर, तो यहाँ पर एसिड की बैक बॉन्डिंग कम होती जा रही है तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो अपना ये सीक्वेंस आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा सर, और बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात करें तो इससे उल्टा बिल्कुल, अगर इनमें आपके लिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बेटा बॉन्ड एंगल क्या आता है, इनमें इक्वल आता है सब में बिल्कुल, तीनों चारों में बॉन्ड एंगल इक्वल मिलता है, अगर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो चारों का डायपोल मोमेंट हमें को जीरो मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सारे सेम है बिल्कुल सर। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट बोरोजोल इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, बोरोजोल को निम्न की अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल सर, ये अपने डाइबोरेन से बनते हैं, अब इसमें सर दो पॉसिबिलिटी है, अगर अपने 1:2 में लेके चलते हैं, मतलब 2NH3 अपन यहाँ के लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना इसको मैं थोड़ा सा खोल के रख देता हूँ रिएक्शन को, एक तो BH2+ बनता है और एक अपना बनता है BH4-, तो ये जो अमोनिया है ये इसके साथ अटैच हो जाती है, दो कोऑर्डिनेट बन, जी बिल्कुल सर, मतलब ये अपने पास कौन सा अनसिमेट्रिकल डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल सर, और फिर आगे इसको थोड़ा सा हीट अगर देते हैं तो अपना यहाँ पर B3N3H6 बन जाता है, जिसको अपने इनऑर्गेनिक बेंजीन, और अगर यही सर मैं एक्सिस में NH3 लेकर के हीट देता तो यहाँ बोरोन नाइट्राइड बन जाता जो कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, तो ये तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो अपना सर यहाँ पे यही क्वेश्चन था, बोरोजोल
बोरेजोल इसी को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन को, बेंजीन को। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा NH3:2:1। बिल्कुल सर। इसमें सर इनको अगर लिखने का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसको जैसे ये इस हिसाब से टूटता है, इसको जब लिखा जाता है तो BH3NH3 के हिसाब से लिखा जाता है जो एक्चुअली में आगे जाकर पीएफ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलिए सर। बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड एंड सॉल्युबल इन वाटर गिवन गिविंग। जलयोजित एल्युमिनियम क्लोराइड आयनिक यौगिक होता है जो जल में विलय होकर देता है, बताइए सर। बिल्कुल सर, एक्वस मीडियम की बात करें तो बिल्कुल सर ये आयनिक होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट की इसमें गैसेस की बात करें तो ये अपना कोवेलेंट होगा। एक्वस मीडियम में ये जब जाता है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, इस वजह से आयनिक होगा और इसका क्लीवेज थोड़ा अलग टाइप का होगा। जैसे ये हो गए और ये दूसरा एल्युमिनियम है, 3 क्लोरीन इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड से, जब डायमेरिक फॉर्म में होता है तो ये एक डेटिव बॉन्ड होता है। AlCl3 मतलब एक लेविस एसिड होता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी के लिए डायमंड फॉर्मेशन कर देता है। तो जब भी क्लीवेज होगा इसका तो इस टाइप से होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑलरेडी वैलेंस है N9 से, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा AlCl2H2O4 और ये +3 में ही होता है, इस वजह से यहाँ पे अपना +1 चार्ज हो जाएगा। दूसरे में अपने पास AlCl4 बन चुका है। बिल्कुल, अभी भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस होना बाकी है और इसको +3 में रखने के लिए यहाँ -7 आ जाएगा। हाँ, 2 तो अपोजिट है इनके बीच, एक आपका अट्रैक्शन फोर्स आयन हो गए, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं, सर ने बताया कि AlCl3 जो गैसीव स्टेज में कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, जबकि अपन एक्वस स्टेज में ले लेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, आयनों में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अपन एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे एक HCl है, HCl गैसीव स्टेज में कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। बिल्कुल सर। जबकि अगर इसकी बात करें अपन एक्वस कंडीशन में बात करें, किसमें एक्वस कंडीशन में अगर इसकी बात करेंगे तो कैसा रहेगा, ये H3O+ और Cl माइनस की फॉर्म में रहता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि HCl है जो एक्वस कंडीशन में कैसा होता है, आयनिक होता है। अपन ये बोल सकते हैं नॉर्मली कि जितने भी एसिड होते हैं ना, अगर प्योर हैं या गैसेज हैं तो वो कोवेलेंट होंगे और ना कंडक्टेंस देंगे, लेकिन एक्वस मीडियम में जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और आयनिक हो जाएंगे और कंडक्टेंस भी देंगे। नेक्स्ट देखें। बिल्कुल सर, यहाँ से सर अगर कोऑर्डिनेशन में लेके जाए तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर देंगे, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर साथ रहते हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, Na2B4O7.10H2O हीट X plus NaBO2 plus H2O, इस X की रिएक्शन पर Cr2O3 से कराते हैं हीट देने पर ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है, X एंड Y होंगे, ठीक है सर, बताएं सर। बिल्कुल सर, ये बोरेक्स बी टेस्ट आ गया सर, अगर इसको हीट करेंगे तो सोडियम में मेटाबोरेट बन रहा है, तो साथ में बोरिक एसिड का निर्माण होगा। बिल्कुल सर। और ये बोरिक एनहाइड्राइड फिर बोरेक्स बी टेस्ट देता है, जैसे क्रोमियम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्रोमियम है क्या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिको पॉलीमर कंटेनिंग SiO(SI) लिंकेज, बताए सर। बिल्कुल, सिलिकॉन्स की बात करें तो अब जब इनके अंदर SiOs लिंकेज तो होगा ही होगा। दूसरी चीज अब बात कर रहा है R3SiCl की, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो R3SiOH बनता है, ऐसी दो यूनिट जब आपस में रिएक्शन करती है तो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और R3SiO(SiR3) मतलब ये ड्यूअल बना लेते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। बिल्कुल सर, और यही बात इसमें भी देख रहे हो, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आंसर अपना कौन सा आएगा, बहुत थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। जी सर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल सर, आयनिक कार्बाइड आर फॉर्म बाय हाईली इलेक्ट्रो, बिल्कुल आयनिक कार्बाइड के लिए सर जो मेटल होता है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि उनके बीच आयनिक बॉन्ड बन फॉर्म हो सके, तो ये बात बिल्कुल सर करेक्ट है और आप वाला वो पैटर्न कि पूछा गया है उसको गोला कर लो। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद में कार्बोरेंडम बोरोन कार्बाइड है, ये आपके ट्रू कोवेलेंट, बिल्कुल इनको कोवेलेंट सॉलिड में जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो वहां देखते होंगे डायमंड कोरेंडम बोरोन कार्बाइड SiO2 बोरोन नाइट्राइड सिलिका
सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, बिल्कुल सर, और ग्रेफाइट, ये सारे कोवेलेंट सॉल्ट की नॉर्मली अपन ऐसे बोल दें 3D स्ट्रक्चर्स रहती है। हाँ, 3D स्ट्रक्चर, बिल्कुल सर, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इनके सर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। बिल्कुल सर। तो थर्ड ऑप्शन में अपन यही तो बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं सर, देखें टॉर्बोरेंडम है तथा बोरॉन कार्बाइड का उपयोग अब कर सकते, मतलब की अब्रेशन के लिए, बिल्कुल, ये सर किसी भी सरफेस को स्मूथ करना हो तो हार्ड होते हैं, दर्शाएंगे क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो काम में लेते हैं, बिल्कुल सर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है, अगर सर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं तो आयनिक फॉर्म में अगर इसको डिवाइड करके देखें तो ये बनता है मैग्नीशियम प्लस टू और C3-4, और C3-4 की अगर स्ट्रक्चर देखें तो C-3 सी ट्रिपल बॉन्ड C-1-, और ये जब आपके हाइड्रोलाइसिस होंगे तो CH3CCH, मतलब कि इथेन यहाँ से, प्रोपाइन यहाँ से बनने वाला है, जबकि यहां अगर बात करें तो ये डिकम्पोज होंगे कैल्शियम प्लस टू और C2-2, तो अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो C-CC-, इसका मतलब ये जब हाइड्रोलाइसिस होंगे तो मतलब एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ से इथाइन बनने वाली है। बिल्कुल, इससे तो इथाइन बन रही है, इससे बन तो इससे इथाइन नहीं बन रही, तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, तो सर फोर्थ आंसर हो गया, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी इज टू कंपाउंड आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वेज Pb+4 कंपाउंड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इट कैन बी ड्यू टू, जी सेकेंड यौगिक प्रबल अपचायक अभिकर्मक होते हैं जबकि Pb+4 यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक इसका कारण है, बताएं सर। ऐसे क्वेश्चन सर जब भी आते हैं तो वो IPE से बनते हैं अपने, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि अपन जब भी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में जाते हैं तो फोर्थ से फिफ्थ वहां ट्रांजिशन कंट्रक्शन हो रहा है, फिफ्थ से सिक्स में जा रहे हैं तो लेंथ इनर्ट कंट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका जेड इफेक्ट बढ़ जाता है NS इलेक्ट्रॉन पर, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने की नेचर उनकी कम हो जाती है, तो वही IPE है। तो यहां पर तो सिर्फ अपन एक ट्रांजिशन कंट्रक्शन की बात करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं है, तो IPE लगेगा लेकिन कम, इस वजह से प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमेशा कोशिश करेगा प्लस फोर में जाने के लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पे IPE मैक्सिमम हो चुका है क्योंकि लेंथ इनर्ट कंट्रक्शन यहाँ हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा स्टेबल है, तो अपन ये बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। हाँ। और अपर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऊपर वाले सभी पीरियड्स में हायर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, जबकि जब सिक्स की बात करें तो लोअर वाली ज्यादा स्टेबल, तो ये कोशिश करेगा इसमें आने की, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इसका रिडक्शन होने वाला है, और रिडक्शन होने वाला है तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम करेगा, तो इसका रीजन ये हो जाएगा सर अपना IPE इफेक्ट। मोर शीशे में अक्रिय युग्म प्रभाव जर्मेनियम की अपेक्षा ज्यादा होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें सर, जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बिल्कुल। When PbO2 is reacted with HCl, then the gas coming out is, बताइए सर। बिल्कुल, PbO2 अपने को बताया, अगर इसको हीट देते तो ये आपका PbO या ये मान लो हाफ O2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी ज्यादा, बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टेबल होती है, तो HCl से करवाएंगे तो इसके लिए थोड़ी अलग टाइप की होगी, 4HCl इसके साथ लगेंगे, तो पहले PbCl फॉर्म बनेगा लेकिन ये Cl क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, तो अपना बन जाएगा PbCl2+Cl2+H2O यहां से निकलने वाला है, तो इसका मतलब है Pb+4 में क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हां, वो बिल्कुल है, Pb+4 बनेगा लेकिन वो +4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से खुद +2 में चला जाएगा क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, सिलिकॉन डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ HF ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल ये भी शानदार, जैसे वाटर ग्लास का एग्जांपल से अपन देख सकते हैं सर, यहां पे वाटर ग्लास होता है Na2SiO3, या अपन ये बोल सकते हैं SiO2+ .Na2O, तो जब भी इसकी HF से रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, जिसको इचिंग ऑफ ग्लास भी अपन इसको बोल सकते हैं, ग्लास के ऊपर लिखाई भी इसी से होती है डिजाइन। आंसर आ जाएगा हाँ, सर ये ओनली सिलिका इसमें सोल्यूबल होता है, HF में ही सोल्यूबल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलते हैं सर, Si2O5N-2N anion is obtained when आयन प्राप्त होता है जब, क्या किया जाता है इसमें बात करें सर। बिल्कुल, इसके अंदर थोड़ा सा बच्चों को ये ध्यान रखना है, ये सीट सिलिकेट है, सीट सिलिकेट है, बिल्कुल। अगर आपका अकेली यूनिट होती तो Si4-4 होता है जिसमें जीरो ऑक्सीजन सेट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर अगर आपके पास लीनियर आता है या साइक्लिक आता है तो Si
O3N2N- होगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे साइक्लिक आ जाए या फिर लीनियर आ जाए तो डबल यहाँ पे दो SiO4 तो हो गया, SiO4-4 तो हो गया, ऑर्थो सिलिकेट हो गया, हाँ यूनिट ऑफ सिलिकेट्स हो गया, हाँ तो दो यहाँ पे शेयर होने वाले। फिर ऐसे ही अपना आता है डबल लेयर, उसमें भी दो ऑक्सीजन शेयर होते हैं, उसके लिए SiO4O11 N6N- अपना ओके सर होता है। फिर आता है अपना कौन सा, इसकी बात करें, ये सीड सिलिकेट है, इसमें तीन ऑक्सीजन शेयर होने वाले हैं, तो ये 2D आ गई, 2D सिलिकेट्स आ गया, 2D आ गई, और 3D सिलिकेट में क्या हो जाएगा, चार शेयर हो जाएंगे, चार ऑक्सीजन की शेयरिंग हो जाएगी। अगर 2D सिलिकेट की बात करता है तो आपको तीन ऑक्सीजन शेयरिंग हो जाएगी, ये शीट सिलिका 2D सिलिकेट है, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर। ऐसे में इनको बस यूनिट याद रखने, कितने ऑक्सीजन शेयर करता है ये याद, वो याद। ओके सर। एल्युमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉन्ट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू, देखो थैलियम प्लस और थैलियम +3 है सर। यस सर। यहाँ पे अपना 13 ग्रुप आ गया, मतलब IP इफेक्ट लगेगा, 6 पीरियड है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, मतलब रिडक्शन ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू इनवॉल्विंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि TL में +1 ज्यादा स्टेबल होगी किसकी तुलना में, +3 की तुलना में, PB में +2 ज्यादा स्टेबल होगी किसकी तुलना में, PB +4 के कंपेयर में, बिल्कुल। ऐसे ही बिस्मिथ में +3 ज्यादा स्टेबल होगी किसके कंपेयर में, बिस्मिथ +5 के कंपेयर में। ये याद रखना, इन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अच्छे क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एजेंट किन में, इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बस अपना आंसर आ जाएगा, सर फर्स्ट आ जाएगा, बिल्कुल। इनको बस यही ध्यान रखना है कि आईपी इफेक्ट नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो नीचे लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हायर की स्टेबिलिटी कम होगी, कम होगी। और 6 में आईपी मैक्सिमम होता है, तो 6 वाले के अंदर जो लोअर वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी में हायर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें ये लोअर वाला स्टेबल हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट अपना आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सर। द नंबर ऑफ 2 center 2 electron bond एंड 3 center 2 electron bond इन B2S6 respectively are, तो ये B2S6 की बात करें तो B2S6 के अपन डायग्राम बना ले। जी सर। डायग्राम बनाए सर। ये अपना डायमेरिक फॉर्म में होता है, हालांकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस टाइप की होती है, इक्वल शेयरिंग होगी, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होगी, तो इधर की तरफ ये ऑसिलेट मान लो आपका, और यहाँ इसका वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये इस प्रकार से ऑसिलेट होता रहेगा। तो इसमें ये चार बॉन्ड आ गए साइड वाले टर्मिनल, तो इसमें दो एटम के बीच बन रहा है, तो दो सेंटर हो गए, इसको क्या बोल देंगे अपन, 3 center 2 electron bond। जी सर। और ये क्या हो गए, 2 center 2 electron bond, तो ये तो टोटल हो गए चार, बिल्कुल सर, ये हो गए अपने दो। इसको बनाना बॉन्ड भी बोल दिया जाता है इसकी शेप की वजह से। यहाँ बोरोन कौन सा हाइब्रिड है, यहाँ sp3 हाइब्रिड और बोरोन है, ये भी नॉन प्लेनर sp3 एंड नॉन पोलर है, बिल्कुल सर, नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2, 2, 4, 2, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसको, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और लेविस एसिड की तरह, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एक चीज सर, जैसे इसके ये हो गए चार हाइड्रोजन है इसके, जो टर्मिनल वाले हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। अगर मान लो कि मिथाइल क्लोराइड से यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, HCl हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, लेकिन ये पैक है, बॉन्ड बड़े हैं फिर भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाने में अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर, टर्मिनल के कंपेयर। तो ये चार हो गए सर, और ये हो गए दो, फर्स्ट आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जी सर। The relative stability of +1 oxidation state of group 13 element following the order. अभी अपन ने बात की, सर ने बताया आपको कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन, कैटिनेशन की बात करें बेटा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटिनेशन पावर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इसमें यूं समझ सकते हैं, जो कैटेनिएशन पावर होती है, तो कैटेनिएशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी साइज के इनवर्स होती है, तो नीचे साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो कैटेनिएशन पावर भी
डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा किसमें होगी, कार्बन में होगी, इसलिए तो कार्बन फैमिली इतने बहुत सारे कंपाउंड बनाती है जिसके कारण अपने एक केमिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल, कैटेनेशन प्रॉपर्टी मोस्टली कार्बन की ही सबसे ज्यादा होती है, तो इसके लिए तो पूरी केमिस्ट्री आ गई है ऑर्गेनिक। और वैसे देखा जाए तो मेटल्स आ गए, कैटेनेशन प्रॉपर्टी यहां पे वैसे ही बिल्कुल के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट बात देखते हैं जी सर, हाउ कैन द फॉलोइंग रिएक्शन बी मेड टू प्रोड्यूस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सर केलेशन कर देंगे, और केलेशन हमेशा सिस पोजीशन से होगा, तो सिस से डाइओल या सिस इथाइलिन डाइग्लाइक वो कुछ भी मिला तो सिस पोजीशन के साथ दो एच वाला ग्रुप अपने हो, तो एडिशन ऑफ सिस व्हाट बोरिक एसिड है वो एक, ये अपना वीक एसिड है, वीक है लेविस एसिड है, क्योंकि ये जब भी H2O के साथ आएगा तो लोन पेयर गेन कर लेगा वो एसिड, बिल्कुल सर, तो BOH4 माइनस बन जाएगा H+ है, आरएनएस भी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये H+ नहीं देता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H इसके पसेवे होते हैं, बिल्कुल सर, और ना ये ब्रोस्टेट होगा, ब्रोस्टेट एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो, तो ये ट्रिप प्रोटोनिक तो है नहीं, ये वाटर का प्रोटॉन है, खुद का नहीं है ये, तो ये सिर्फ लोन पेयर लेविस एसिड इसको, तो अपन ये बोल सकते हैं बोरिक एसिड वैसे तो क्या है, एक वीक एसिड है जी सर, परंतु एडिशन ऑफ सिस डाइओल, बिल्कुल सिस 1 2 डाइओल की प्रेजेंस में ये अच्छे स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव बिल्कुल करने लग जाता है ड्यू टू किलेट फॉर्मेशन। हां तो ये अपने को ध्यान रखना है बेटा, है वीक एसिड, ये OH- लेने वाला एसिड है, परंतु किसकी प्रेजेंस में, सिस 1 2 डाइओल की प्रेजेंस में ये स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट देखें सर, बिल्कुल सर, ये सर अच्छा क्वेश्चन है, अपन पहले बोरिक एसिड से चालू कर चुके हैं, ये पहले आ चुका है, BH3BO3 से स्टार्ट हुआ हुआ है जी सर, इस बार कहां से हुआ है, बोरेक्स से, बोरेक्स से हुआ है, तो वैसे तो अगर नॉर्मल HOH इसका करवाते हैं तो NaOH और बोरिक एसिड BO3 बनेगा, तो रिजल्टेंट ये बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि NaOH एक स्ट्रांग है, ये वीक है, बिल्कुल सर, तो यहां पे सिर्फ अपने को बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है, हां तो अपने को तो यहाँ एसिड लाना है, तो अपन इसका H2 एसिडी के हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है जो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो Na2SO4 फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ बोरिक एसिड बन जाएगा, फिर जैसे हीट देंगे यहाँ पे बोरिक एनहाइड्राइड है, और बोरिक एनहाइड्राइड यहाँ पे मैग्नीशियम की प्रेजेंस में लेंगे तो एमोरफस, और अगर एल्यूमिनियम लेंगे तो क्रिस्टलाइन बनेगा, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा H2SO4 एंड मैग्नीशियम, थर्ड आंसर आ गया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, यहाँ पे सर ये आ गया, वन और मोर देन वन आ गया, बिल्कुल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिलिकेट्स, पहला क्या कह रहा है, साइक्लिक सिलिकेट्स हैविंग थ्री SI एटम कंटेन सिक्स SiO SI लिकेट, इसके लिए बात करें सर, नेक्स्ट पेज निकाले, बिल्कुल सर, ये साइक्लिक के लिए बात कर रहा है, और तीन जैसे साइक्लिक के लिए अपन बोलते हैं SiO3 N माइनस 2N, अगर इसकी वैल्यू तीन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, SiO3 9 माइनस 6 बन जाएगा, इसको अगर अपन वैसे अरेंज करें तो SiO 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 SiO, और साथ में यहाँ O माइनस की फॉर्म में रहेंगे, जबकि इसने अपने से पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कितने SiO SiO बॉन्ड है, तो इसमें तो एक दो और तीन, और तीन है, अब उसमें करें सर, तो वहां पे 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो अपना स्टेटमेंट वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, जबकि अपने को बताने क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए बात करनी है। नेक्स्ट के लिए बात करें सर, नेक्स्ट के लिए अपने को सर ये दिया है डबल लेयर वाले की बात करा, ये द्विक श्रृंखला, तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सर, वैसे तो इनको याद रख ले तो ज्यादा बेटर होता है ताकि टाइम खराब ना हो, बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी देखें अगर समझना चाहिए इस चीज को, अपन यूं समझ सकते हैं, ये जितने भी गोले हैं ये तो अपने ऑक्सीजन हो गए, बिल्कुल सर, और जो ऑक्सीजन शेयर हो चुकी होती है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, और जो शेयर नहीं हो पा रही है उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दे, तो एक यूनिट में देखा है ये अपना डबल लेयर वाला बन गया, बिल्कुल सर, अब इसमें अपने को पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन शेयर होता है, तो यहाँ पे देखे एक के लिए कितना ऑक्सीजन मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होता है एक यूनिट को बनाने में, तो एक का तो 100% रोल हो गया सर, किसी को शेयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर, तो ऐसे में इसका तो हो गया 100% रोल, बिल्कुल, फिर जैसे इसको देखें तो एक दो और ये तीन तो शेयर कर चुका है, तीन ऑक्सीजन शेयर कर चुका है, तो तीन शेयर कर चुका है कितनी यूनिट में, दो यूनिट के बीच, जैसे दो यूनिट के बीच एक ऑक्सीजन शेयर होता है, एक पे दो हो गया एक के हिस्से में, ऐसे तीन ऑक्सीजन है
और एक का 100% रोल है 1:1, तो ये आ जाएगा 1.5 + 1 2.5। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो गया जी सर। तो यहाँ पे करेक्ट देखना दादो अपना, एक तो ये सही हो गया सर। क्वेश्चन अपने नेक्स्ट निकाल दिए। अच्छा, हाँ एक तो ये तो फॉल्स हो गया था, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया। फिर इसकी थोड़ी देर पहले सर अपन बात कर चुके हैं, अभी मैंने समझा है कि ये ड्विक वाला होता है, तो इसके अंदर तो यूनिट Si4O11 N6N- होगी। ये तो अपना 2D की बात कर रहा है, शीट की बात कर रहा है, जो पहले अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, तो ये तो वैसे ही गलत, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर इसकी बात करें Si4-4 यूनिट्स पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म सिलिकेट बिकॉज़ Si एटम हैज लेस टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ 5 बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अपन अगर बात करें इसकी पॉलीमराइजेशन की बात करें, जो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। जैसे अपन एक एग्जांपल बात करें Si4-4 PO4-3 SO4-2 and ClO4-1, इनमें पाई बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ इसमें क्लोरीन में मैक्सिमम है, जबकि Si की साइज बड़ी होने के कारण ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन देखें तो सबसे ज्यादा तो होगा SiO4, बिल्कुल बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड से उल्टा चलेगा PO4-3 और फिर SO4, इसमें तो पॉलीमराइजेशन की कंडीशन बनती ही नहीं है। तो अपन देखते हैं वैसे भी कि इसमें पायरो बनता है, इसमें पायरो बनता है, इसमें तो काफी सिलिकेट्स बनते हैं, जबकि उसमें पायरो की कंडीशन नहीं है। नहीं, नेक्स्ट चले सर। फोर्थ आंसर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये करेक्ट हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये करेक्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोराजिन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन माइंड व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट BH एंड NH ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बोराजिन। बिल्कुल सर, बोराजिन मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन। हां, बोराजिन या इसको बोरेजोल भी इसको बोल सकते हैं। अपन पहले इनसे बात कर चुके हैं कि ये बनती कैसे है। बाकी जैसे कि उसमें कार्बन होते हैं और इसमें बोरोन और नाइट्रोजन होते हैं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अब इसके पास वैकेंट 2p पड़ा है और इसके पास लोन पेयर है, तो यहां पे डेटिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एरोमेटिक है ये। एक चीज इसके लिए म्यू जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि सारे सभी आइटम क्या है, sp2 है जी, जो रिंग में है, प्लेनर हो गई, बिल्कुल सर, नॉन पोलर हो गई, बिल्कुल सर, नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि बॉन्ड इसमें क्या है सर, पोलर है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक बेंजीन के कंपेयर में ज्यादा होगी, और एरोमेटिक है तो हकल रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो पीछे देखते हैं सर अपने को पूछ सके। बिल्कुल, तो अपना पहला तो है ईच बोरॉन एंड नाइट्रोजन, बिल्कुल sp2 हाइब्रिड है, ये अपना करेक्ट हो गया, हकल रूल को ये फॉलो करता है। बिल्कुल, HCl के साथ तो ये सर एडिशन कंपाउंड बना है, बिल्कुल, क्योंकि देखें डबल बॉन्ड है, यहां पे ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही HCl आएगा H+ और Cl- तो H कहां अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, क्यों, ये बैक बॉन्डिंग वापस चली जाएगी, और ये क्लोरीन कहां अटैक करेगा, बोरॉन पर अटैक करेगा, तो एडिशन रिएक्शन तो रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला फॉल्स हो गया। और फिर इसमें बिल्कुल पी पाई बॉन्ड है, अपन बात की अभी, तो अपना आंसर आ गया 1, 2nd and 3rd, फोर्थ हां बिल्कुल सर। नेक्स्ट पे चलते, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन। वही बात अभी अपन कर चुके हैं डाइबोरिन के B2S6 के बारे में, बिल्कुल B2S6 के बारे में, इसमें दो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, करेक्ट है, और क्या करना है, सत्य कथन बताना है, चार बॉन्ड बनाता है, ये भी सही है, बिल्कुल, एक प्लेन में नहीं होती, अपन बात कर चुके हैं, sp3 होते हैं, ये अपन बात, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना 1, 2, 3, 4, सारे के सारे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Pb NO3 का होल्ड वाइज गिव, ये +2 में है सर, और +2 इसका ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये PbO NO2 और O2, और काफी फेमस क्वेश्चन है ये, रेडिश ब्राउन कलर की और एक कलरलेस दो गैस यहां पे निकलती है, और इसके लिए बॉन्ड एंगल तो आपको स्पेशल ध्यान रखना ही रखना है जी, बिल्कुल, कितना होता है इसका 134 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, बिल्कुल सर, और इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, पैरामैग्नेटिक है, और ब्राउन या रेडिश ब्राउन गैस है, बिल्कुल सर, और इसको कूलिंग करने पर, इसको कूलिंग करने पर ये किस में चेंज हो जाता है, N2 एक डायमैग्नेटिक सॉलिड, ये डायमैग्नेटिक है, सॉलिड है, सॉलिड है, एसिडिक भी है, ये भी एसिडिक है, और ये भी एसिडिक है, एक चीज और साथ में कलरलेस है, हां
एक चीज और है सर, ये दोनों अपने मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोले जाते हैं। बिल्कुल, दो प्रकार के एसिड बनाएंगे, ये नाइट्रस भी बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड भी बनाएंगे। ये दोनों से मिलकर बना हुआ है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अगर आप देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट आ रही हो, जैसे नाइट्रिक एसिड में कौन सी आ रही है प्लस फाइव, बिल्कुल सर, नाइट्रस एसिड में आ रही है प्लस थ्री, हाँ। इसमें कितनी आएगी प्लस फोर आएगी, तो ये दोनों की इंटरमीडिएट आ रही है, मतलब फिर क्या होगा ये मिक्स एनहाइड्राइड बन जाएगा। चाहे अदर एग्जाम्पल अपन ले लें, P2O5 है, P2O4 है एंड P2O3 है। बिल्कुल सर, तो ये किसका आ गया, इसमें प्लस थ्री है, इसमें क्या जाएगा इंटरमीडिएट आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट मिल रही है तो दोनों का मिक्सचर होगा सर। ये वैसे अपन बात कर चुके हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी इसका काफी रोल है। ये येलो हैज अपना पड़ा था एट्रोफिक जैम के टाइम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो हाइड्रोजन रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पोल्यूटेंट भी है, तो कहीं पे काम भी आता है तो कहीं पे नुकसान भी पहुंचता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आ गया एक तो पीबीओ, एक O2 और एक N। बिल्कुल सर, ऐसा फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम करता है, सेकंड डे वाले सारे पी वाले सारे डी वाले सारे वाले सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम देते, NO2 गैस नहीं देते, वो सिर्फ O2 देंगे, वो नाइट्रेट से बन जाएंगे नाइट्रेट। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर, ये इंटरजेट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 3 मोल्स ऑफ B2O6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मेथनॉल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म दिस, बताएं सर। बिल्कुल सर, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और रिएक्शन देगा ये, तो जैसे CH3OH आएगा मेथनॉल से रिएक्शन कराए। बिल्कुल सर, तो यहां से क्या होगा BOCH3 अपना यहां पे ये बन जाएगा। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, अपने को पूछा है कि वो कंटेंट जिसके पास ऑलरेडी पहले से बोरॉन, तो इसके 3 मोल लेके चल रहा है, तो 1 मोल में 2 बोरॉन है, तो इसके 2 बनने वाले, अगर इसके 3 लेके चलेगा तो ये 3 या 6 कितने लेंगे, 6। इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। तो ये बेटा अपने पास आज पी ब्लॉक फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपने बोरॉन एंड कार्बन फैमिली के लिए बात की है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, आगे की फैमिलियां बची हुई हैं वो उनके बारे में बात करेंगे, उनमें नाइट्रोजन फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।